नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एआर नर्सिंग क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक क्विक वीडियो। इस टॉपिक का नाम है मोटिवेशन। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं आपसे आज फटाफट से। एक छोटा सा वीडियो या छोटा सा क्विक रिवीजन कह लें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सब मोटिवेशन होता क्या है, मोटिव क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ मोटिवेशन कौन कौन से हैं। तो आइए प्रोसीड करते हैं कि साहब क्या है मोटिवेशन। तो टॉपिक है अपना आज मोटिवेशन। जब हम बात करते हैं साहब मोटिवेशन, तो दो शब्द आपके सामने आते हैं। पहला शब्द है आपका कौन सा, मोटिव, और दूसरा वर्ड है आपका कौन सा, मोटिवेशन। कि सब मोटिव क्या होता है और मोटिवेशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि मोटिव क्या है और मोटिवेशन क्या है। जो वर्ड है लिखा हुआ मोटिव, इसका मतलब क्या है साहब, कोई ऐसा कारण, किसी काम को करने के पीछे कारण क्या है, वो कारण ही क्या कहला रहा है आपका, मोटिव कहला रहा है। तो अगर मैं यहां लिखूं ए रीजन टू Doing something, किसी भी काम को करने के पीछे का जो रीजन है, जो कारण है, वही क्या कहला रहा है आपका, मोटिव कहला रहा है। इधर आइए इस तरफ बात करते हैं किसकी, मोटिवेशन की। मोटिवेशन क्या है साहब, मोटिवेशन वो ताकत है, वो फोर्स है जो किसी भी इंडिविजुअल को मजबूर कर देती है पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो अगर मैं यहां पर लिखूं ए फोर्स विच कंपेल्स का मतलब होता है मजबूर करना, कि साहब एक ऐसी ताकत, एक ऐसी फोर्स जो व्यक्ति को कंपेल कर दे, मजबूर कर दे पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। देखिए ए फोर्स विच कंपेल्स एन इंडिविजुअल to move in a particular purposeful direction, एक ऐसी मोटिवेशन क्या है साहब, एक ऐसी ताकत है जो आपको एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दे, उसे ही क्या कह देते हैं हम मोटिवेशन। ये लिखा हुआ है फोर्स या ताकत। अब ये फोर्स दो तरीके की हो सकती है। देखिए इधर अगर मैं बात करूं, इस फोर्स की बात करूं केवल, तो ये फोर्स दो तरीके की हो सकती है, या तो होगी ये एक्सटर्नल या होगी ये इंटरनल। एक्सटर्नल आप लोगों को पता है, जैसे आप लोग मोटिवेशनल वीडियो सुनते हो, उनको सुनने के बाद में एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो, वो कौन सी फोर्स है, वो कौन सी ताकत है जो आपको मजबूर कर रही है आगे बढ़ने के लिए, एक्सटर्नल। या मैं ये कह दूं कि साहब बाहर आपने सुनकर देख करके सीखा है उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना। तो अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं एक्सटर्नल फोर्स ना कह के क्या बोल दूं इसको, लर्न, जो सीखा है आपने डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, वो क्या कहला रही है आपकी, लर्न्ड फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स। दूसरी तरफ है इंटरनल, जो आप में पहले से ही प्रेजेंट है, या मैं कह दूं इननेट, यानी बाय बर्थ ही आपके अंदर ऐसी एबिलिटी प्रेजेंट है कि साहब आप पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में बढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। तो दो तरीके की फोर्स आप देख रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। ये तो बात हुई कि साहब मोटिव क्या है और मोटिवेशन क्या होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोटिव्स, कि साहब कौन कौन से प्रकार के मोटिव्स हैं हमारे पास। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोटिव्स, कितने प्रकार के मोटिव्स होते हैं।
तो बेसिकली जो मोटिव्स की कैटेगरी है, इसमें मोटिव्स को बांटा गया है चार कैटेगरीज के अंदर, चार प्रकार के मोटिव्स हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर वन अगर मैं बात करूं तो नंबर वन पे आते हैं आपके फिजियोलॉजिकल, और दूसरा नाम है इनका प्राइमरी मोटिव। फिजियोलॉजिकल और प्राइमरी मोटिव, इनके एग्जाम्पल की बात करूं कि साहब कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनको रखा गया है फिजियोलॉजिकल, शारीरिक या फिर प्राइमरी मोटिव के अंदर। तो अगर मैं बात करूं इनके एग्जाम्पल की, तो इसमें कौन कौन से मोटिव हैं। सबसे पहले है आपका हंगर मोटिव, यानी भूख वाला मोटिव। इसके बाद में थर्स्ट मोटिव, प्यास वाला मोटिव। इसके बाद में आपका नीड फॉर रेस्ट एंड स्लीप। नीड फॉर रेस्ट एंड स्लीप। इसके बाद में आपके एलिमिनेशन। और फिर आता है आपके इसके अंदर सेक्स मोटिव। बेसिक मोटिव, प्राइमरी मोटिव या फिजियोलॉजिकल मोटिव का मतलब है कि साहब ये ऐसे मोटिव्स हैं जो आपके सर्वाइव के लिए जरूरी हैं। जैसे कि खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे, पीना पानी नहीं पिएंगे तो कैसे जिएंगे। नीड फॉर रेस्ट एंड स्लीप, सबको जरूरी है साहब रेस्ट करना और नींद लेना। एलिमिनेशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालना भी जरूरी है। सेक्स मोटिव, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि साहब जिंदा रहने के लिए तो समझ में आ गया कि साहब खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, आराम करना जरूरी है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना जरूरी है, लेकिन सेक्स मोटिव का क्या। भले ही सेक्स मोटिव आपको जिंदा रहने के लिए कोई हेल्पफुल नहीं है, लेकिन सेक्स मोटिव आपके हेल्पफुल है हमारे जो पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाने के लिए, हेरिडिटी को ट्रांसफर करने के लिए। इसलिए सेक्स मोटिव को कहां प्लेस किया गया है, प्राइमरी मोटिव में या फिर फिजियोलॉजिकल मोटिव में। यह था आपका पहला टाइप जिसका नाम था फिजियोलॉजिकल या फिर प्राइमरी मोटिव। आगे बात करते हैं कि साहब अगला मोटिव कौन सा है, कैटेगरी बताइए। आपको चार तरीके के पढ़ने हैं। पहला हमने देख लिया फिजियोलॉजिकल मोटिव या फिर प्राइमरी। सेकंड बात करूं, सेकंड का नाम क्या है साहब, सोशल मोटिव या फिर सेकेंडरी मोटिव। सामाजिक मोटिव जो है उन्हें किसमें रखा गया है, सेकेंडरी मोटिव के अंदर रखा गया है। अब अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल क्या है साहब, इसमें नीड फॉर स्टेटस कि साहब आपको समाज में स्टेटस भी चाहिए। दूसरा बात करूं तो इसमें रखा गया है साहब सोशल अप्रूवल। समाज आपको अपनाए, ये किसमें रखा गया है, सेकेंडरी मोटिव के अंदर। तो नीड फॉर स्टेटस, सोशल अप्रूवल, साथ ही साथ में रखा गया है ए कंपनीज वाला जो वर्ड है उसको भी इसमें प्लेस किया गया है। ए कंपनीज का मतलब क्या है साहब, साथ रहना। ह्यूमन बींग्स की नीड है साथ रहना, अकेले सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम क्या बना के रहते हैं, फैमिली बना करके रहते हैं, ग्रुप बना करके रहते हैं, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया, एक कंपनी। या फिर इसकी जगह मैं कह दूं एफिलिएशन जो वर्ड है कि साहब साथ साथ रहना, तो वर्ड यहां पर लिख दें अगर हम एफिलिएशन, और एफिलिएशन का मतलब लिख दें यहां पर साहब क्या, कंपनी। तो ह्यूमन बींग्स की निशानी है कि साहब उन्हें अकेला रहना पसंद नहीं है, कंपनी बना करके हम चीजों को एंजॉय करते हैं। तो ऐसे तीन ये मोटिव है जो किसमें रखे गए हैं, आपके सेकेंडरी मोटिव या फिर सोशल मोटिव के अंदर। फिर बात करते हैं जो तीसरा मोटिव है आपका, नंबर थ्री पर प्लेस किया गया है, कौन से मोटिव, आपके पर्सनल मोटिव।
पर्सनल मोटिव यानी आपसे खुद के जो रिलेटेड है वो मोटिव्स कहलाएंगे। कौन से मोटिव? आपके पर्सनल मोटिव। अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या आएगा साहब? सेल्फ अटेनमेंट ऑफ गोल, जो आपने गोल बनाया है उनको पूरा करना, साथ ही साथ स्टेटस, स्टेटस आपका, साथ ही साथ पावर गेन करना, ताकत गेन करना। तो ये जो तीनों मोटिव्स हैं किसमें प्लेस किए हमने? पर्सनल मोटिव्स के अंदर। इसके बाद देखेंगे जो लास्ट मोटिव है आपका, तो लास्ट कैटेगरी है आपकी वो कहलाती है आपके अनकॉन्शियस मोटिव्स। अनकॉन्शियस मोटिव यानी ये ऐसे मोटिव्स हैं जिनका आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता है, छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं कहां पर? आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं यहां पर रिप्रेस्ड मोटिव। रिप्रेस का मतलब है छुपे हुए मोटिव, दबी हुई हमारी इच्छाएं जो हमारे कहां पर दबी हुई है साहब? अनकॉन्शियस माइंड के अंदर दबी हुई है, उनको हमने कहां प्लेस कर दिया है? अनकॉन्शियस मोटिव के अंदर। तो इस प्रकार से चार कैटेगरी में हमने आपसे बात करी है मोटिव्स की, जिसमें नंबर वन था आपका फिजियोलॉजिकल या प्राइमरी, नंबर टू था आपका सेकेंडरी या फिर सोशल, नंबर थर्ड हमने देखा कौन सा साहब? पर्सनल मोटिव्स, और नंबर फोर बताया आपको अनकॉन्शियस मोटिव। तो इस प्रकार से ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था आप इसके बारे में, मोटिवेशन की डेफिनेशन एज वेल एज टाइप्स ऑफ मोटिव्स। फिर भी आपको इन टॉपिक्स में अगर डाउट हो और कुछ टॉपिक्स जो आप पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए, हमें कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स पर जल्द आपको क्लास प्रोवाइड करवा दी जाए। थैंक यू।